कोर्ट के फैसले का हमेशा हमने सम्मान किया है और भारतीय जनता पार्टी और हमारी केंद्र की सरकार ने हमेशा कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है। और कोई भी एक अगर इंडी गठबंधन के लोग हों या बसपा के लोग हों उसका अपोज करते हैं तो ये उनसे सवाल पूछा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। जहां तक ओबीसी एससी को सम्मान देने का सवाल है तो ये सबसे ज्यादा अगर सम्मान दिया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने दिया है। मैं चूंकि स्वयं ओबीसी से आता हूं और ओबीसी के लिए लंबे समय से संवैधानिक दर्जा आयोग को नहीं मिला था, वो ओबीसी आयोग के लिए संवैधानिक दर्जा देने का काम भी किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इतना ही नहीं, ये कांग्रेस की बात मैं कहूं तो कांग्रेस या कांग्रेस के साथी हमेशा ओबीसी के विरोध में रहे हैं। अगर मैं कहूं काका कालीकल की रिपोर्ट 1955 में आई थी और उसके बाद में उसे ठंडे बस्ते में डालने का काम किया, मंडल कमीशन ये 1980 में आया ठंडे बस्ते में डालने का काम किया, और जब भाजपा के सहयोग से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनती है तब उस सरकार में इस को सम्मान दिया गया, मंडल कमीशन के आयोग को लागू किया गया, 27% का आरक्षण मिला। तब मैं कह सकता हूं कि उस समय भी कांग्रेस के नेता हमारे राहुल गांधी जी के स्वर्गीय श्री पिताजी राजीव गांधी जी ने खुलकर के विरोध किया था और संसद में 2 घंटे से भी ज्यादा विरोध का भाषण दिया था। तब मैं कह सकता हूं ये कांग्रेस हो इंडी गठबंधन के लोग हों ये हमेशा ओबीसी के खिलाफ रहे हैं, ओबीसी के हितों की अगर रक्षा की है कहीं भी तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और आज जब कोर्ट का फैसला आया है तो कोर्ट के फैसले का सब सम्मान करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय पर जब समय आएगा तो निश्चित रूप से इसका भी सम्मान करने का हल निकालने काम करेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.